सहारनपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों से पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। दरअसल पूरा मामला थाना सदर बाजार इलाके का, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचे और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बीते दिनों पार्श्वनाथ सिटी में चौकीदार को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जबकि ये आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर जेल भेज दिया। 30/31 के रात में सदर थाने के अंतर्गत एक पार्श्वनाथ सिटी है, वहाँ जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तार वगैरह रहता है, वहाँ का जो कुछ बदमाशों ने वहाँ का गार्ड को बंधक बनाकर चोरी किया था। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना चल रही थी, तो हमारे जो SOG टीम है और थाना पुलिस ने मिलकर ये जो घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें अभी तक जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनमें से जो पूरा जो चोरी ले गए थे संपत्ति का बरामदगी, जो इसमें ट्रांसफार्मर का तार है और एक बोलेरो पिकअप है जो गाड़ी इन्होंने उस जो अपराध में यूज़ किया था, इसके अलावा एक बंदूक ले कर चले गए थे, वो भी बरामद हुए हैं। और इनके साथ ही अभी जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है और जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करेंगे।